डेटिंग ऐप से मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी दोस्त कविता भी परेशान हो चुकी है. वी आर जस्ट लाइक वी आर ऑन एवरी सिंगल ऐप बट दिस इज नॉट हैपनिंग टू अस. How are you? Good. I think we are overqualified to be on dating apps. अब मुझे ऐसे लगने लग गया है. Listen, you just said it. I always feel I'm too good looking for Tinder. Yeah. तो normally जब लोग Tinder definitely देखते हैं, कौन-कौन से apps आप use करते हो? अभी मैंने बहुत सारे apps use किए हैं. मैं मतलब मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी Tinder से, फिर उसके बाद OkCupid, then there was Hinge, then there was Aisle, then finally I have come down to Bumble. Come down to Bumble. हाँ, मतलब अभी वही है बहुत सालों से. वही है बिकॉज बाकी स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं. जस्ट टू एग्जॉस्टिंग हैविंग द सेम कन्वर्सेशन एवरीवेयर. बताओ, बंबल जब शुरू हुआ था, दे ऑल सेड कि लड़कियों के लिए बंबल इज ग्रेट बिकॉज लड़के नेवर मेक द फर्स्ट मूव. तो टिंडर पे सारे लड़कियों का बोलना ये होता था कि भाई तुम लोग जब मैच करते हो तुम कुछ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन नहीं करते. बंबल इज वुमेन फर्स्ट, बट वुमेन ऑल्सो से हे और दे सेंड अ जिफ और एन इमोजी. एग्जैक्टली. नहीं नहीं, ये पोजीशनिंग मुझे समझ में नहीं आई. सो लॉट ऑफ गर्ल्स वुड से व्हेन मेन आर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन कि भाई तुम कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शुरू करो, कुछ एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन शुरू करो, डू समथिंग व्हिच इज मेंटली स्टिम्युलेटिंग. बट व्हेन वी स्टार्टेड लाफिंग व्हेन वुमेन गॉट टू मेक द फर्स्ट मूव, गर्ल्स वुड ऑल्सो से हे. Actually, you up. Most of the time यही होता है. Most of the time यही होता है. बाद में गायब भी हो जाती है. And then the next question, what I have known from my male dates, whatever it is, तो वो उनका कहना होता है कि hi, hello, how are you up, what have you eaten, status क्या है? नहीं नहीं, status क्या है? Status क्या है? शादी करनी है, relationship में है कि क्या करना है? So actually लड़कियों की intention I think is more on having a committed relationship, and which is why most of these guys are like tallowing the conversation on the app. But बहुत सारी लड़कियों को committed relationship नहीं चाहिए होता, but they say they want it, right? I think that is how they want to approach it initially. ऐसे क्यों? ताकि लड़के की intention समझ में आ जाए. लड़के बेचारे हम उल्टे पड़ जाते हैं बिकॉज़ व्हेन अ गर्ल, व्हेन वी आर आल्सो प्रिटेंडिंग पैटर्न से बीबी मैं तो कुछ सीरियस आजकल डेटिंग ऐप में मुझे बताओ. As a bisexual person मैं को नहीं सोचता पड़ता. अ गाय विल से हे लिसन वेयर डू यू स्टे व्हाटएवर, सेंड मी अ डिक पिक व्हिच आई डोंट सेंड. आई वाज लाइक तुम घर आ जाओ. नाउ यू आर वेरी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो. अब जैसे मैं फेमस नहीं हूं, मैं बदनाम हूं. मुझे कोई क्यूट लड़का अच्छा लगा है, लड़की अच्छी लगी, आई इंस्टेंटली गो एंड टॉक टू देम. आई हैव नथिंग टू लूज. Somebody will say Paris flirted with me, no problem. You're like a digger journalist and all. You know, you're a journalist and I've known Kavita for almost 15-20 years. Yeah, right? Aram se. And hum saath mein, we used to be working at this one company and now, and you've been very loyal to that profession and you've grown tremendously in it. मैं आपको ऐसे प्रोफेशनली नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये चढ़ने के साथ प्रॉब्लम है. ऐसे जो कॉन्फिडेंट वुमेन होती हैं सब सिंगल होते हैं, एंड आई हैव सीन दिस ट्रेंड. वो क्या चक्कर है? वो चक्कर ये है कि एक तो हम काम बहुत करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता सोशलाइज करने का. सोशलाइजिंग जितनी होती है वो नेटवर्किंग के बदौलत होती है, बट देन ऑब्वियसली ओवर देयर यू कांट फ्लर्ट एंड यू नो यू कैन डेवलप अ पर्सनल रैपो, बट देन यूजुअली हम ऐसा करते नहीं है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच आई ऑल्सो फेस ऑन डेटिंग एप्स, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि मुझे किस तरह के कॉमेंट्स मिले हैं. मैन हैव टोल्ड मी दैट यू आर टू एम्बिशियस. Men have told me that you have been single for so long, how comfortable would you be, you know, now if you're in a relationship? They have told me कि हमें इतनी known girlfriend नहीं चाहिए. I don't think I'm comfortable dating someone who's so known. So मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा intimidating भी हो जाता है. So that is like the professional side effect I can say. But उसके अलावा because मैं बहुत opinionated हूँ, okay, और I will not say बिंदास, but then हाँ, अगर मुझे कोई इंसान की बात गलत लग रही है तो मैं बोलूँगी कि आप गलत बोल रहे हो और ये मेरा मानना है. तो कहीं ना कहीं वो ego पे आ जाती है बात. So a lot of men get very intimidated by women like you, and I'm glad आप जो बोल रहे हैं exactly वही बोल रहे हैं. Now जो एक जो मैंने statistic पढ़ा था और मैंने थोड़ा बहुत असल जिंदगी पे देखा है, बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पावरफुल वुमेन होती हैं इन रियल लाइफ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू से सेक्सुअल बिकॉज़ शी इज अ जर्नलिस्ट, सो आई एम सेइंग द डिस्क्लेमर ऑन माय ओन पहले कि भाई हर वर्क शुड नॉट गेट अफेक्टेड. सो यू कैन टो दैट लाइन व्हेन यू वांट. अ लॉट ऑफ गाइस फील दैट पावरफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन जब रिलेशनशिप में आती है देन दे लाइक द देन दे डोंट वांट टू बी दीस पावरफुल वुमेन. आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काम पे आपका टेंपरमेंट अलग है, रिलेशनशिप में टेंपरमेंट अलग है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई वाज इन अ रिलेशनशिप. मैं भूल भी गई हूँ, वो बीते जमाने की बात है ऐसे मुझे लगता है. मुझे याद ही नहीं है. आई थिंक मोर देन 7-8 इयर्स नाउ. सो तब से आई हैव बीन सिंगल. Like on and off, I go on dates, but I cannot go on a date with a guy for more than three times. मतलब उसके बाद वो पानी कितना गहरा है मुझे समझ में आ जाता है और मैं कट लेती हूँ. You identify as what sexual sapio you said? Yeah. Sapio वाले ना. Sapio वाले बड़े बड़े दिक्कत वाले होते हैं sapio sexual. I mean वो long term नहीं चल सकता मुझे उतना पता है. So the question that you asked is हमारा profession demand करता है कि हम थोड़े से aggressive हो. हमारा profession demand करता है कि you know आपके अंदर fire होनी चाहिए because we are in the business of making news. Relationship में वो चीज बहुत बदल जाती है and yes we need the understanding from the guys and a little more to understand ki professional side thoda kabhi kabhi impact karta hai aapki personal life ko bhi. But then what also happens is iska matlab ye nahi hai ki hum aapko bilkul ध्वस्त कर देंगे कि तुम एग्जिस्टिंग नहीं करते जो है हमें. वी आर नॉट वेरी डोमिनेटिंग एंड अग्रेसिव इन इंपर्सनल रिलेशनशिप. आई थिंक वो इक्वेशन मैटर करती है. करेक्ट. वो कंपैटिबिलिटी मैटर करती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेट अ नॉन मीडिया गाय जो आपके काम को नहीं समझता. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पारस मैं ये बताती हूँ अगर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कहते हैं कोई कहता है कि अच्छा आप एंकर हो तो आपका तो काम बस मेकअप लगाकर ऐसे बैठ जाना होगा और आप सामने से टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो पढ़ लेते हो तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ये बहुत पुराने जमाने की न्यूज़ की आप बात कर रहे हो. आजकल ऐसा होता नहीं है. ठीक है आज हमें बहुत तैयारी करनी होती है एंड स्पेशली बिकॉज आई एम फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट तो मुझे तो बहुत तैयारी करनी होती है बिकॉज आई कैन गो रॉन्ग ऑन फैक्ट्स एंड टेक्निकलिटीज एंड नथिंग लाइक दैट. तो So I want to know when you're dating a guy, now you're a sapiosexual. Yeah. आपका बहुत सारा conversation general दिन का is highly intellectual. Yeah. Now when you say you want a guy like that who's vibing at that level, yeah. मतलब बेचारे के ग्रे सेल्स बहुत ही ज़्यादा ग्रे होंगे. So does he have to discuss stocks, politics? No, not at all. Mean, does he have to know about what's happening in ये political party में क्या हो रहा है? उस यार थोड़ा interest तो होना चाहिए ना. मैं बात क्या करूँगी? But इसका मतलब ये नहीं है कि मैं office को भी घर ले आऊँ. What if he's a good human being but very dumb? जो मेरे बॉयफ्रेंड्स के साथ बहुत अक्सर होता है. बट आई कांट बी द मदर. नो वो इतना ही डम हुआ तो. बट आई एम पिक्चरिंग यू लाइक अ शुगर मामा. Like you know, I have been that for a couple of my relationships. Yes, I have because I have to drive the guy. I always had to. I always had to push them to do better and go beyond their limits. तुम्हारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? तुम्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? How to be smart and yeah, I've done all of that. और अब मैं थक गई हूँ. I want to be pampered. Oh, see, that's what I meant to say. Yeah. मैं वही बोल रहा था that strong, powerful, independent women actually in a relationship don't want to take that strong, powerful role. And that happens with men also. You know, हम ऐसे mama's boy बन जाते हैं फिर girlfriend's boy बन जाते हैं because in bed I just like I want to be the small spoon today. मैं बड़ा ऐसे मन कर रहा है cuddle करके सो जाए. मैं आपको tarot पढ़ना चाहता हूँ. I've got my cards. Okay. I want to know first of all, but before I do your tarot, now the good part is even though you and me been friends for like a long time. Yeah. We've actually never really spoken at a intimate level. हाँ. अब मैं तो बदतमीज हूँ तो मेरी sex life तो सबको पता ही है, love life सबको पता ही है, right? Now in your case, the good part is because I don't know a lot about you, it'll be fun for me to read because the less I know, the better. Okay. So okay, we'll do like one blank reading. You've done tarot before? Yes, I have. Yeah, I actually do it regularly. I have a friend. Oh. So you know that every card in tarot has one meaning up. Yeah. And one down. Okay. So what we'll do is you'll do one master shuffle. Librans are just the politer version of Scorpios, right? Okay. Right? Yeah. Basically, we're still like, hum thode se borderline narcissist hain. Haan. Like the world has to kind of revolve around us. But hum bahut mehnat karte hain aise dikhane ke liye ki nahi, but we care about everyone. But actually, that's not. Tumhari aadhi to zindagi acting mein nikal jati hai. To ye jo love ka locha hai, have you ever dated a Libran boy? A Libran boy? No. No, never in fact. Never in fact. Have you dated a Scorpio boy? No, I think I've dated a lot of Cancerians. How did that go? Cancerian, Aquarians. Yaar, wohi na, same. Okay, so now think about your question and what do you want to ask? When will I have a relationship? When will I be done with my dating apps? Can I ask that? Oh, like when will I uninstall all the dating apps? iPhone crash ho jayega, aise mat bolna. Do, wo baddua lag jayegi. Basically, you're saying when will you find love, right? So think about that and shuffle.
Okay. But then love तो मुझे रोज होता है ना. मतलब मंडे वाला लव नहीं, वो लाइक छह महीने वाला प्यार. अच्छा चलो ठीक है. But you're saying like the one, right? The you're, one. You're really yeah. saying like in terms of really. Okay, companionship. What sure, about that? Sure, I like ना? It. Yeah, because प्यार तो हम लोग ऐसे गिरते पड़ते रोज करते रहते हैं. वो रोज होता है हमारे साथ. मंडे प्यार अलग होता है, फ्राइडे का प्यार अलग होता है. But then yeah, companionship with one steady person maybe. Hmm. Okay. Yeah. I'm very curious to see where this is going to go. अच्छा tarot cards में the best part जब कोई card गिर जाता है ना उसका meaning अलग होता है. Really? Okay, मैं हो गया दो बारी करवा करना है. करो करो. Put them down. Oh. I did oh, it. What is that? I'm going to show you what this card actually means, okay? Okay. And I'm going to keep this card aside and I'm going to tell you what this means separately. Okay, rakho, niche rakho and cut it. Okay. So you're asking, when will you find love? So the thing about my tarot is, when a tarot actually jab sikha tha, I basically I learned tarot because I don't believe anyone who takes money for it. Okay. I know people have to do it professionally and I know people have to do it, but mera manna ye tha bhai jo banda kar raha hai wo to paise ke liye kar raha hai, to they'll keep calling me, so I learnt it for that reason. So I'm a full andhvishwasi on my own tarot. Okay. To lag gaya. Okay. I'm doing 3 months, 6 months, 9 months. Oh. Wow. Okay. This so all the looks card, very fancy the, and nice to me. The card that I was hiding from everyone was basically the card which is the hermit. Okay. Okay. So the hermit is basically क्या होता है? Hermit is someone जो कि बहुत ही he's a wise person. Even though it shows old, it's not necessarily an old person unless that's your type. That's fine. Yeah, I'm okay. What's your type? कोई type ही नहीं है यार. नहीं मतलब like young छोकरे, older छोकरे. So I'm done with younger guys. वो बहुत हो गया. मतलब I've dated like 8 years younger also. तो आई एम ओपन फॉर एल्डर गाइज नाउ बिकॉज यंगर गाइज के साथ थोड़ा मेच्योरिटी का इशू हो जाता है एंड दे कांट क्राइसिस मोड में ना वो हाथ पैर छोड़ देते हैं. बट यंग गाइज आर वेरी लाइक दे आर वेरी या या दे आर वेरी एंथू अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ अदरवाइज एंड दे मोर रोमांटिक आई फील रोमांटिक हां बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट रिलेशनशिप आई लाइक टू से फील मी रोमांटिक व्हाट इज दैट मतलब वहां मतलब वो एकदम कुची को क्या कर रहे हो खाना खा लिया आई मीन शुरुआत में हो सकता है मुझसे मैं रोज नहीं कर सकती मतलब रोज मुझे मत पूछो यार खाना क्या खाया है जिंदा मुझे जिंदा रहना है मैं खाना खाऊंगी बिना खाना खाए मैं नहीं रह सकती और मेरी डेडलाइंस होती हैं मुझे काम करना होता है उसमें तुम पूछ रहे हो बेबी ये गाना ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम सुन लेना ओके आई एम हियर मेरा गेस्ट कैंसिल हो गया है मुझे शो पे जाना है और तुम मुझे बोल रहे हो बेबी गाना सुन लेना सुन लूंगी जब घर जाऊंगी तो आई हैव दैट साइड इन मी आई डोंट से नो बट देन वो ऐसे रोज नहीं निकल सकता और उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं निकल सकता But you know, you're very different from a large majority of women. जिनको बाबू सोना मेरा बेबी क्या कर रहा है चाहिए. I hate people babying me. कोई मुझे बेबी बोलता है ना मेरे को बड़ा गुस्सा आता है. What is the term of endearment they want should be? यार तुम कविता बोल लो के बोल लो. I like K. Maybe वो थोड़ा सा professionally भी है because everyone will always call you K or KT. I'm okay with that. But then ये बेबी सोना बोला नहीं बोलो please मुझे. बहुत ही अजीब लगता है मुझे. Yeah, बेबी सोना even I can't do like. Yeah. I'm okay with being called Baba sometimes. Baba sometimes is okay. So the last guy I remember I was in a relationship. उसे बहुत जरूरी था कि एक nickname रखा जाए. तो जरूरी था. मैंने पता उसका bubbles रख दिया था फिर nickname. पता नहीं क्यों. You called him bubbles. I called him bubbles. Should I ask why? I'm so like. I have no idea. You know, whenever I would see all these like, this is something I would always think about. जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हो सबसे बड़े एक्टर्स हैं जैसे हैं ए, मैंने फिल्म की है पता है ना लुक एट यू फैंसी पीपल कौन सी फिल्म की है? मैंने एक ओके फिल्मिस्तान इसे नेशनल अवार्ड भी मिला है 2012 में नितिन कक्कड़ एंड शारिब हाशमी यू गॉट टू वॉच दिस फिल्म मतलब अरसों पहले की थी मैंने एंड इट एक्चुअली हैपेंड छुट्टी पे मुझे जाना था एंड देन दिस फ्रेंड ऑफ माइन हू वाज इन द फिल्म इज लाइक एक छोटा सा रोल है बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं है फिल्म फेस्टिवल्स के लिए जाने वाली है ठीक है तो एक छोटा सा रोल है ऑफ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर तू कर ले 4 दिन का शूट है राजस्थान में तो मैंने कहा छुट्टी भी मिल रही है राजस्थान भी घूम लेंगे और पैसे तो मिलेंगे नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बस एंजॉय करना था मस्ती करनी थी गई शूट करके आ गए 2 साल के बाद और सारे पूरे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में उसको बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला यू कैन जस्ट गूगल इट अप फिल्मिस्तान अमेजिंग फिल्म है अगर नहीं देखी है तो और उसके बाद आई थिंक यूटीवी ने उसे खरीद लिया था रिलीज किया और नेशनल अवार्ड मिल गया द डे द ईयर पान सिंह तोमर गॉट अ नेशनल अवार्ड द सेम ईयर फिल्मिस्तान आल्सो गॉट वाओ सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट मुझे बहुत कूल लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ नेशनल लुक एट अ फ्लेक्सिंग शी इज लाइक एग्जैक्टली आई गॉट अ दैट्स व्हाई यू आर सिंगल नो
बिकॉज अ बॉय विल हियर दिस सिंह भाई ना मेरे को पॉलिटिक्स समझ में आता है ना मेरे को बिजनेस समझ में आता है ना मेरे पास नेशनल अवार्ड है वो वैसे भी वैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे हो ही जाता है बिकॉज माई ब्रदर इज अ डायरेक्टर पापा हैज बीन इन फिल्म इंडस्ट्री सिंस व्हाट डोंकी इयर्स नाउ 40 इयर्स पापा को हो गए होंगे सो देन नाउ आई डोंट नो इफ यू एवर डन दिस लाइक सम माय वेरी प्रोमिनेंट वेल सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेरी प्रोमिनेंट फीमेल फिगर्स बोलते हैं इन अ ऑन अ डेट दे डम देमसेल्व्स डाउन हां आई डू दैट You've actually done that? Yeah, yeah. I always do it. But why? I always do it. Dumb yourself. मतलब, see, आप first date में तो अपनी सारी intelligence दिखा नहीं सकते ना. आपको वही गहराई ना अपनी होती है कि सामने वाले की गहराई कितनी है उसके मुताबिक आप थोड़ी सी equation बनाओगे. So even when I'm having the conversation, I first try to ask a lot of questions instead of answering. Because I want to know कि उसकी actual mindset क्या है और वो किस तरह की सोच रखता है अलग-अलग चीजों पर. एक तो आई थिंक द सोच का प्रॉब्लम नाउ सडनली हैज हैपेंड इज नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेटिंग गर्ल्स इन बॉम्बे दिल्ली हिमाचल राइट बिकॉज़ द मैं तो बंबल पे फुल इंडिया हूं यू नो व्हाट अब्रॉड गाइस आर वेरी कूल ऑफ कोर्स दे आर आई लाइक वाइट बॉयज व्हाई या इवन आई डू ओके डू यू हैव टू फिनिश द टैरो फर्स्ट या सो यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट द हर्मिट ओके सो बेसिकली लाइक विद योर कार्ड्स Like the interesting thing about your cards is that actually shows us within 6 months there is someone who was the guy I'm seeing in your life is someone who might be the kind of guy that you might be looking for. Now, when I done your spread, like a theme in like a prince royal family. This is someone who actually has a lot of money. तो अगली बार आपके शो पे कोई ऐसे गेस्ट आए कुछ अमीर या थोड़ा सा गुड लुकिंग सारे अमीर ही आते हैं गुड लुकिंग नहीं आते गुड लुकिंग बहुत कम आते लेकिन आते हैं हां बिकॉज़ इट कुड बी दैट एंड आई एम टेलिंग यू आई फील लाइक आपको अगर आप I know you're saying that finding love is very difficult and whatever, but you and me, the problem is, hum bahut similar hain. Is aapke jitre bhi cards hain, if you see, they're all solo cards. What do you mean? Now, solo cards, matlab hum basically, if you notice, now a lot of your tarot is a reflection of what you want and a reflection of who you are. Okay? You're also looking for someone who likes to work on himself, is someone who's intelligent, does a lot of stuff, right? Yeah. Single card. सिंगल कार्ड सिंगल कार्ड सिंगल कार्ड आपने अपने बैटल्स भी नॉर्मली अकेले लाइफ में किए सपोर्ट दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन बट आपको जो बाकी चीजें मिल रही हैं दैट एक्चुअली अबाउट हु यू आर आयरन बूट्स इज आल्सो समथिंग सिमिलर टू यू एंड हर नाउ द किंग नोटिस ही इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर बट उसके जो जूते हैं दे मेड ऑफ आयरन मतलब एक्चुअली ही इज इमोशनलेस नाउ आप और मैं इस चीज में बहुत सिमिलर हैं वे हम जब इवन व्हेन वी अप्रोच रोमांस वी अप्रोच अ वेरी प्रैग्मेटिकली हम उसको एक्चुअली ना बिजनेस केआरए के जैसे देख रहे हैं कि इसके आरओआई क्या है इसकी वो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है नाउ ये चीजें जो हैं आप में और मुझ में द प्रॉब्लम विद दिस इज यू एंड मी विल नॉट सेटल अब उसके साथ द प्रॉब्लम इज टिश्यूज विल बी आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ राइट नहीं मतलब आंसू पोंछ सकते आई डोंट नो व्हाट यू थॉट डर्टी माइंड जर्नलिस्ट आल्सो मेकिंग डर्टी जोक्स नाउ क्या हो गया घोर कलयुग बट आई फील ऑन द ब्राइटर साइड आपको एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months डोंट बी टू सरप्राइज्ड इफ यू फाइंड समवन हु इज ग्रेट और ये आपका थोड़ा लंबा चलेगा okay. ये वाला दिस कुड बी समवन यू ऑलरेडी नो Now, someone you know means you may not have already had a romantic relationship. ऐसा हो सकता है आप कभी वैसे नहीं entangled हो but ये बंदा ऐसा है जिसको आप जानते हो this is not a new person क्योंकि आपका जो card है ये ऐसा card नहीं दिखा रहा this is a new entry in your life okay the good part is by saying this on camera तो 6 महीने के बाद नहीं आएगा तो आपके ये सब बोला कि मैं मुझे की पास ये क्यों नहीं हुआ अब तक customer care complaint now but now the thing with tarot again for me and I'm sure आप इतना tarot पढ़ते हैं a lot of tarot is I can't really control what other people do I can do what I do तो मैं जब tarot अपने लिए भी करता हूँ the largest thing I'm actually looking for is what can I do जिससे मैं अपने आप में change लाऊँ right Because that's what I can control, right? Now, if I want to go and meet someone, I can go to a party, I can go to a restaurant, I can go to the gym. मैं ज़्यादा gym में इसलिए जाता हूँ, वो बड़े cute लड़के वहीं पे होते हैं. Muscle तो I barely lift weights, I have a slip disc, but मैं gym में रोज़ होता हूँ. My commitment to fitness is not so high, but to dating is very high, right? The same way now in your case, like you know, just pragmatically, the thing is, tell me honestly and don't lie about this, okay? Do you end up fighting with your boys very quickly and a lot? No. Because I feel like in this, like there's always a war that in your head you already won. No. No? No, I don't. In fact, I'm someone who just doesn't want to. I'm the first one to say sorry. मतलब वो जो आप लोग ने देखा है ना कि relationship में boyfriend होता है ना sorry baby, sorry show अभी नहीं करूँगी तो वैसे होता है मेरा हाल. मैं हर बार भी sorry बोलती रहती हूँ. Traditional sort of masculine role होता है. Exactly. From that perspective. हाँ. The stereotypical masculine. मैं बहुत जल्दी sorry बोल देती हूँ. मैं बहुत जल्दी give up कर देती हूँ because I don't want to fight. I hate कि कोई लड़कर सोए वो मुझसे होता ही नहीं है उसे खत्म करो सॉरी बोलो मेकअप हग किस एंड देन गो टू बेड डोंट कैरी इट फॉरवर्ड तो पिछला रिलेशनशिप 7 साल पहले क्यों हुआ फिर
बिकॉज मम्मी ने बोला कि लड़की बड़ी है और बच्चे कैसे होंगे. मतलब she wanted you to get married. No, the problem was that guy was 6 years younger to me. Oh, okay. Yeah, and I was already at that age के जहाँ पर लोग सोचते हैं कि अच्छा बच्चे हो जाने चाहिए, बहुत late करोगे तो नहीं होंगे. So, तो उसकी mom को लगा कि अच्छा अभी तो शादी होगी, फिर उसके 3 साल के बाद ये बच्चे के बारे में सोचेंगे, हो सकता है ये बच्चे करे भी ना, जो कि मुझे नहीं करने हैं. But you'll be okay with marrying a लड़का जिसके, because actually अब बहुत होने लग गया है, and which should not be a problem, but वो somewhere it still not normalizes. Will you be okay अगर आपका husband आपसे से आधे से कम कमाई कर रहा है? Yeah, I think I'll be okay with that because पक्का या बोलने की बात है? नहीं 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 पक्का, as long as वो कुछ कमाए. ऐसे वो घर पे बैठ के I don't think I'll be okay with the house husband. I don't think I want that because it's not about the money, but it's about him doing something and exploring. I mean house husband रह के भी कुछ तो करना चाहिए इंसान को, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी. जैसे कि हम हाउस वाइफ्स की बात करते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो डाउन प्ले दैट रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अ वर्किंग पार्टनर विल बी गुड फॉर मी रादर देन, बिकॉज मैं खुद अपने आप को एक हाउस वाइफ के रोल में नहीं देख सकती. मे बी इसीलिए मैं सामने वाले को भी एज अ हाउस हस्बैंड के रोल में शायद नहीं देख सकती. दैट्स लाइक मी आल्सो, लाइक इवन माय पार्टनर, आई नीड अ पार्टनर जिसका एंबिशन हो. हां ये सही बात है. यू नो आई फील सो पॉलिटिकली इनकरेक्ट टॉकिंग अबाउट आई डोंट वांट समवन हु जस्ट सिट्स एट होम, बिकॉज़ जब बोलते हैं बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज़ हमारी मम्स भी वैसे ही थी. हां हां बट द फैक्ट इज हमारे लिए टुडे इफ मेरे पार्टनर में वो ड्राइवर एंबिशन नहीं है, समवेयर आई फील लाइक आई हैव अ शुगर बेबी. या हां अब नाउ I don't want that. Yeah, like, I don't want I want a partner. Partnership का मतलब ही होता है partner, not exactly, liability. Exactly. इसीलिए हम single हैं. देखो हमने ऐसे liability ROI देख लिया ना, वही गड़बड़ हो गई हमारी. So because I'll tell you what, because I remember like one of my very very good friends and she started dating a while ago. And her problem was very prominent television actress and stuff like that. उसको दो issues होती थी, which I feel like somewhere are similar with your issues. एक तो जब कोई बंदा मिलता था पहले they are like starstruck. Yeah. Right. कि हमने आपको देखा है, they're trying to be cool, and it's very uncool to meet a fan person on a date. I agree. मुझे ना बम्बल पे ब्लॉक किया है लोगों ने, और बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैसेज करके भेजा है कि इस नाम की कोई लड़की बम्बल पे है, आपकी फोटोग्राफ यूज की. Then what do you do? I don't reply to that. I mean, क्या बोलूँ मैं उनको? And you put up like sexy photos on your dating apps? No, I've not even put my name on it. Nothing at all. One second, are you the full patta person? Right? No. मेरी ही photographs हैं. But then बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो वो होती हैं, fake profile जैसा लगता है लोगों को. Any politician people who are like? Hmm. No. I asked the question only as a question. She's not going to answer this wrong question to ask. When you are doing your shows, okay, there are these random things that happen. We are all familiar with the news media. और जो दिखता है, मैंने खुद, I remember, मैं जब उस time पे when I was on the news channels, मुंबई का मॉनसून हुआ था. मॉनसून दिखाना होता है सबको. मैं अपने कैमरामैन के साथ गया हूँ. I am standing in water. इतनी सारी बारिश हो रही है. अगर उसने हल्का सा पहन के हो, उसने दिखा होगा मैं गड्ढे के अंदर खड़े होकर वो बोल रहा हूँ जिससे बारिश दिखे. अब न्यूज में बहुत कुछ होता है तो असली में होता नहीं है. What is the one thing जो आप as a journalist रोज देखते हो जिसपे आपको बहुत हंसी आती है? You're like, but if they knew this, they would not take news seriously. बिजनेस न्यूज़ में ऐसा बहुत कम होता है मेरे ख्याल से. या बिकॉज हम लोग लाइव मार्केट्स बहुत ज्यादा करते हैं, सो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें कुछ मेकअप करना पड़ता है. जनरल न्यूज़ में शायद होता होगा. बॉलीवुड तो खैर खत्म ही कर दो बात. सो नहीं, आई बिजनेस न्यूज़ में ऐसा तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. आई वांट नाउ अगेन पिक योर ब्रेन्स बाय फाइनेंशियल एडवाइस. ओके, नो वो तो मैं रोज करती हूं, बट आई हैव अ गुड क्वेश्चन फॉर यू. ओके ओके, Somebody wants to buy a house. ओके, व्हिच इज अ 10 CR house. Should I buy it? Depending on your financial portfolio right now and your investments and your capability to pay it off. अगर मैं डेट पे होता अभी मैं घर जा रहा हूँ. अच्छा, but you did not tell me about the second thing that your friend comes. She doesn't want to discuss money at all. Yeah, because I don't want to. Like, I don't want to discuss money. I do it every day in day out. मैं पूरा दिन यही काम करती हूँ यार. मैं वीकेंड्स पे भी यही सोचती रहती हूँ. Just give me a break. But then, if you want a sapiosexual boyfriend. हाँ, but मैं रोज फाइनेंशियल के बारे में नहीं बोलूंगी ना बाबू. आज कितना खर्चा किया, आज कितना बचाया. Like, what's your cuddle talk? I haven't had it since a very long time. I have no idea. If you're talking about a date, no, love. The 8 years back wala thing, no, a proper relationship tha, proper like relationship. A steady, which I thought is a steady and a stable relationship, but then yeah, bahut zamane ho gaye, arse ho gaye. So now you were asking me ki meri bedroom cuddle talk kya hogi, to pehle to mujhe explore karna hoga ki wo kya hoga.
I'll have to experience it first. And then I think maybe I'll be able to tell you ke wo kya, what do I expect. But finding people has become so difficult it today. It is. You know, a lot of my friends now are actually going to the parents saying, bhai, aap mere ladka ya ladki dhoond lo. मेरी मम्मी मुझे ये रिवर्स में होने लग गया है। हाँ, ये होने लग गया। मम्मी मुझे भेजती रहती है। अब वो प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं कि मुझे देख के मना करने का मन करता है। बट देन आई आल्सो टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, पता नहीं क्यों। आई आल्सो फील ये साइड इफेक्ट है ऑफ द डेटिंग एप्स दैट वी यूज, बिकॉज वन पर्सन द अदर पर्सन इज जस्ट अ स्वाइप अवे, है ना। टू मेनी ऑप्शंस। अभी किसी के बाल अच्छी है, किसी के बाइसेप्स अच्छे हैं, किसी के काम अच्छे हैं, किसी की शक्ल अच्छी है, बातें अच्छी है, बट देन नहीं जम रहा है, next guy. Sometimes are you just happy to see a tall boy, someone who looks good? Haan. Not every connection has to be cerebral, right? Haan. Sometimes you could just have a physical. So हम लोग match जब करते हैं, swipe करते हैं, तो पहला तो सिर्फ looks ही होता है ना? Of course. Bio पे तो कौन कितना ही लिख लेगा? क्या लिख लेगा? है ना? तो हम लोग I think match तो पहले looks की वजह से ही करते हैं. So it's very important my partner to be attractive. I mean, I'm not someone who says कि यार मैं तुझे रोज़ I love you बोलूँगी. But then I need an attraction. I should feel like touching him, kissing him, waking up with him. I mean, which is a very big question कि ये लोग शादियों में कैसे करते हैं? पर शादियों में लोग बहुत टाइम के बाद नहीं करते। Exactly. I've realized a lot of relationships have this, a lot of marriages don't really have a lot of cuddle, and उसपे बहुत ज़्यादा intimacy, I think beyond a few years. Problem of being together for a very long time because you stop missing each other. Would you ever be open to an open marriage? I'll have to explore myself for that. I don't know. Because I felt I'm not okay with getting married only, first of all. Open marriage तो बहुत दूर की बात है। अब शादी, you're not looking to get married. I am not looking because मुझे एक concept समझ में नहीं आता। how do you love a person when that person is not someone you want to love at that particular moment in time? What if one day I wake up and I just realize that, oh my God, I don't love you anymore. भाई साहब, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। ये अगर मेरे साथ हो गया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बारी हो सकता है, तो क्या होगा उस शादी का? Because शादी is everything but love. वो प्यार तो बैकसीट ले लेता है ना, देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कम्स अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। और विथ मी, मैं इतनी सारी चीज़ें ना झोंक देती हूँ अपनी नौकरी में। सो व्हेन आई एम बैक होम, आई वांट इट ईजी, आई रियली वांट इट ईजी एंड आई वांट इट स्मूथ, एंड तू जो बोले वो शोले, तू जो बोलेगा वो होगा। सच में तो आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप वेयर आई हैव टू पुट एफर्ट्स टू मेक इट वर्क, और इसीलिए मेरे पेशेंट्स ना जवाब दे जाते हैं आजकल डेटिंग के चक्कर में। ये तो यू नो, जो बहुत सारे पहले जो क्लीशेज होते थे जिनको हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट मानते थे, हाँ, वो घूम फिर के वापस आ रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, इट साउंड्स सो सेक्सिस्ट बट एक्चुअली इट्स ट्रू। वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड इट, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन है। Most of my friends are again actors and stuff. She's also an actor. She's doing very well. When she decided this, you know what she did? She put her career back. Oh. And she found this guy, married him, and ab mere ko andar nahi pata kya, but she claims to be the happiest she's ever been. And this is someone who's a very strong-headed woman. She's a very good friend of mine. So hum jab aapas mein baat karte hain, fir hum ye political correctness ki baat nahi karte, humko pata kya ho raha hai. She said, "Yaar, maine wo cliche kiya, which fundamentally is so wrong." But कभी ना कभी वो जो बोलते थे ना, that one person sometimes has to take a step. Even house husbands do it. Yeah, yeah. You know, house husband says to get the marriage work, I will stay at home, I will not work, my wife will do all the work. But somewhere I think the problem is you and me, eventually, let's face it, हम जब उठते हैं सुबह, हमारा सबसे बड़ा focus ये है कि आज काम क्या है, व्यापार क्या है, business क्या है. My whoever I'm waking up next to is an add-on. Yeah. But it's not my true life. Yeah. Because actually speaking, जब हम tarot भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, I keep saying I want to fall in love, and I don't know if you're also like this. But actually, हम उसको इतना ज़्यादा नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं ढूंढ रहे हैं, हाँ, actively नहीं ढूंढ रहे हैं। Organically अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ जो मुझे बताने की, मतलब मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए। So the friend that you mentioned, she took a backseat from her career. With me, I also don't want to do it because the kind of background I've had. So I come from a very traditional गढ़वाली ब्राह्मण family. ओके, मेरी दादी दिल्ली में थी, पापा की शादी भी दिल्ली में हुई, बाद में ही मूव टू बॉम्बे 83 और टी सीरीज जो पापा अब जो खड़ा किया पापा ने किया विद गुलशन अंकल एंड किशन कुमार एंड ऑल ऑफ दिस पीपल। सो जब मैं पैदा हुई, सो माय दादी वाज वेरी शी वाज नॉट हैप्पी विद द गर्ल चाइल्ड बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। पापा बड़ी थे तो मैं पहला बच्चा, तो मैं बड़ी हुई, एंड लेटर ऑन आई एम अ डस्की चाइल्ड, आई एम ऑल्सो अ लेफ्टी। सो आई हैव सीन दीज things, you know, my mom going through it, like my dadi telling my mom ke, अरे ये तो गोरी भी नहीं है, अरे ये तो उल्टे हाथ से भी लिखती है अभी। तो
कहीं ना कहीं इस चीज़ों में जब आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा था, बट बिकॉज आई नो मेरी मॉम ने कुछ कुछ झेला है इसकी वजह से, सो एटलीस्ट शी मेड श्योर दैट आई एम वेरी ओपन एंड आई एम आउट देयर, और जितने भी मेरी एप्रीहेंशन है लाइफ में वो सब टूट जाए. तो मॉम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई यू नो आई डोंट फील लाइक द वर्ड बेटर हाफ, आई डोंट बिलीव इन इट, समवन विल कम्प्लीट मी, आई डोंट बिलीव इन इट. सो I look forward to be a working woman all my life. और इसमें मेरी insecurity ये हो जाएगी कि I want to be dependent on every aspect of my life, which is also a problem in my relationship, because in a relationship you've got to be interdependent, especially emotionally. वो मुझसे नहीं हो पाता है. I can detach, I can attach. मैं ये बहुत जल्दी करती हूँ. We move on very quickly. Because you know, like my dad and my mom's relationship also, like I mean, now my, of course my mom is no more for years together, but I feel unhon mein ye nahi tha ki we can walk away. Yeah. We have the freedom of walking away from relationships to be free. I want to ask you about this dusky thing that you said, which is very interesting. As a television person, you think skin color being dusky today is an advantage or a disadvantage, or you think it has no meaning? It doesn't matter at all, okay? But I should tell you what happened few years back. There was a colleague of mine, a junior colleague, South Bombay, okay? Bahut paisa, duniya bhar mein ghumi hui, bahut established international institute se padhi likhi. One day she comes to me and she's like, I didn't know that your color girls are also made as anchors. And they look so good. I always thought कि गोरी लड़कियों को ही anchor बनाया जाता था. तो मुझे नहीं पता था that you know dusky complexion can look so good on air or with makeup, without makeup. So this was a realization for her after being so explored in life. तो how did you respond to that? Nothing. I just smiled and I just said thank you. अब उसे मैं क्या समझाऊँ? क्या समझाऊँ? मैं क्या समझाऊँ? वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा दुनिया घूमी हुई, ज़्यादा बड़े लोगों के साथ उठती बैठती है. मैं उसको क्या बोलूँगी? But this also shows कि आपकी मानसिकता क्या है, और ये सब कुछ आपकी परवरिश से आता है. But you know this the dusky complexion और fair complexion का फंडा मुझे उसमें भी बहुत confusion दिखता है. Because if I tell someone you're fair, someone automatically takes it like a compliment. So, अगर मैं आपको दो चीजें बोलूं, किसी को without intonation, यार तुम बड़े गोरे हो, somebody will say, oh thank you. ऐसे, oh भाई तुम कड़े काले हो, हाँ tan हो गया, मैं beach पे गया था. I want to ask you, हमने actually बहुत बार क्या होता है, जिस ये मेरे साथ term gay के साथ होता था. Are you gay? Because हमारे दिमाग में काफी जो उस शब्द को बुरा मानता है, they will take it as offense. If you neutralize the word, there's no offense. मेरे हिसाब से गोरे और काले में हमारा खुद ही का हैंगओवर है, जो हमको खुद ही लगता है. हाँ, वो क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज़ आपके घर में आपको ऐसे बोला जाता है ना, अरे काली है. सो दादी तो मेरी खैर अभी मुझसे बहुत ही कम मिलती हैं, बट देन वो कहीं ना कहीं होता है ना, गोरी होती तो शादी हो जाती, ऐसी वाली फीलिंग होती है. तो वो आपके घर से शुरू होता है. You ever felt that about your complexion? No, never. Never, in fact. Also because मैं मुंबईकर, मुंबई में अगर आप पले बड़े हो ना, तो थोड़े से आप कॉस्मो एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हो. बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैं डीप नॉर्थ साइड होती ना, तो ये जरूर कॉम्प्लेक्स होता मेरे अंदर कि यार ये मेरा कॉम्प्लेक्शन है. आई लव माय कॉम्प्लेक्शन. मैंने आपसे इसीलिए पूछा बिकॉज ये एक्सटर्नल सोर्स था आपकी नानी ने बोला, दादी. मैं आई रिमेम्बर मेरा एक कजन है, माय कजन्स आर फ्रॉम शिमला. बहुत they're all very very fair, okay? Their skin color is very light. Actually pahadi being a dusky is also not doesn't happen that way. It doesn't happen that way. Bilkul nahi hota. Acha, now Mumbai ke standard se I'm not considered dark or dusky. I'm considered maybe like wheatish. I was sitting with one of my cousins, वैसे मैं बहुत छोटा था, मैं 8-10 साल का, मेरा कजन 20 साल का होगा. When I'm hugging him like that, so my maasi sir wo aisa kar raha hai, doodh aur tawa saath mein. Now I'm thinking this is such a racist comment to make. And you know, बच्चा उस time पे आपको ये सब नहीं समझ में आता कि आप ऐसा नहीं बोल सकते. It's wrong. But the fact is, when I actually think about it, somewhere because वो ingrained हम में है कि अगर तुम काले हो तो somewhere good looking नहीं हो. अच्छा, मेरा उल्टा racism इसमें शुरू हो गया. A lot of girls will say I like tall, dark and handsome men. Do you like tall, dark and handsome men? I like South Indian actors. So if somebody is dark, you're attracted to them. I am attracted by default. Fair boys, you're not attracted to. No, I am. But then I think with darker guys, I find them more manly. You prefer darker. Yeah. Now see, you said you find darker guys more manly. Nobody will attack you. If I say मेरे को fair लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, लड़के अच्छे हैं, I am instantly attacked. मेरे को ये जो गोरे से ये मेरे को समझ में नहीं आ, because अब मेरे को लगता है racism उल्टा हो गया. तो अगर कोई पूछे मुझे dark, tall, dark and handsome लोग अच्छे हैं, वो preference है. मैंने बोल दिया मुझे fair लड़का लड़की चाहिए, वो racism है. ऐसा क्यों हो रहा है? Now because the thing for me is, I am physically
like you're physically attracted to a skin color. I'm physically attracted to people who might be a wheatish complexion. Mm. तो झगड़ा हो गया था एक बार. This guy said, just because I'm dark, you don't want to sleep with me. I said, in my head, I'm thinking no, because you're very unattractive as a person. But I couldn't say that to him, right? So I was trying to explain this to him. But you think I'm right about saying कि ये जो racist approach, just for example, you know, as you a skincare guru, as a skincare guru, मुझे बहुत issue होता है कई बार, because a lot of people say, आप हमेशा लोगों को बोलते हो, आपका skin color आप light कैसे कर सकते हो? I said, यार मैंने videos ऐसी भी बनाई है, how to get a good tan. I've also made videos about how to remove your tan. Right. How to get a good tan? People told me saying, तो पागल हो, किसी को काला थोड़ी होना है. You know, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना पब्लिसिटी के लिए भी आजकल बना दिए जाते हैं. लाइक हाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी फेक फेमिनिज्म, बिकॉज फेमिनिज्म जो एक्चुअल फेमिनिज्म है उसका अभी जो वर्जन मुझे कई बार दिखाई देता है स्पेशली ऑन सोशल मीडिया इज वेरी अडल्टरेटेड. विद स्किन कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो ये ऐसा हो गया है बिकॉज वी गॉट ब्रांड्स हुम वी टारगेटेड, और जो टारगेट करना जरूरी भी था बिकॉज वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे हमारे पूरे समाज में. बट हैविंग सेड दैट, गोरे या काले से कोई मतलब नहीं है, as you rightly mentioned earlier, कि ये आपकी खुद की सोच है. Sometimes it's a preference. Yeah, it's a preference. So you know when an American or a European guy wants to get tan, अपने कलर को वो काला करना चाहते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते, oh they're feeling inferior, or it's a someone. नहीं, बिल्कुल नहीं. But when a darker person wants to get fair, we say, oh you have a Kololian hangover. Exactly. पतले को मोटा होना है, मोटे को पतला होना है. So I think we've all realized. But I'm so happy to also hear this because ये जो छोटा सा change है मैंने अब देखने लग गया हमारे circles में. Where people realize when you say I want fair people, darker people, whatever, it's a preference. The one other thing I wanted to ask you actually is about just the vanity of, you know, like, do you think every boy you meet right now is more vain than they were 10 years ago? Like, are men becoming more vain than women with anchors that you deal with men that you meet in your business, or is that only in my business? No, I think it's only in your business. Because हम तो मतलब like oh my god, like if you put two actors together in a room, हम तो मतलब it's very very, it's a different spectrum altogether. Yeah, like how? If you have three girls with us and two guys, we're going to party. हाँ. लड़कियाँ एकदम से तैयार, हमारे घंटे ही चल रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ हो ही रहा है. It just takes forever, and we get taunted for it so much. So all my male actor friends who are married to people who are non-actors, girls, they be like, भाई इनके तो नखरे नहीं खत्म होते. तो I feel like the gender roles are being switched to lot. नहीं यार, male language में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो फटाफट आते हैं, अपना puff puff करते हैं, tie लगाते हैं और निकल जाते हैं. हाँ. No, but then I don't think in my personal life I would prefer someone who takes so much time. You wouldn't, right? Yeah, I don't think so. I would, because मैं खुद 5 मिनट में तैयार होती हूँ. तो मैं तैयार हो रही हूँ 5 मिनट में, वो लगा रहा है आधा घंटा, सवाल ही पैदा नहीं होता. And the one last thing, I think I also have a problem with guys. So the alpha males, कोई अपना बहुत ज़्यादा जब ख्याल रखता है ना, तो आई थिंक मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, बिकॉज मैं अपना खुद का उतना ख्याल रखती नहीं हूँ. रखना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं लड़कियों के लिए, बट आई एम नॉट समवन हु वांट्स टू गो फॉर बॉडी स्क्रबिंग लाइक ट्वाइस अ मंथ एंड बॉडी ब्लीच एंड ऑल. मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ यार. 15 दिन में एक बार टाइम मिलता है तो हम पार्लर चले जाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट. 6 महीने में एक बार मेरा हेयर कट होता है. हाँ, मैं हर महीने जाके ट्रिमिंग नहीं कर सकती हूँ. हर 15 दिन में आई कांट कीप कलरिंग माई हेयर. सो इफ आई गो आउट ऑन अ डेट विद अ गाय हु सो प्रॉपर एंड सो परफेक्ट एंड सो कॉन्शियस, तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो वो बैठता नहीं है मेरे साथ. द थिंग इज, व्हेन आई एम लिसनिंग टू योर स्टोरी, आई फील अ लॉट ऑफ यू एंड मी एंड अ लॉट ऑफ अस आर वेरी सिमिलर, बिकॉज आई थिंक बीइंग सिंगल इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. Yes. You become so used to it that then to have this naya insan jo aapki life mein entry kare, you want to accommodate them, but you don't know how to accommodate how to, them. Yeah, I know. Yeah. So aisa ho sakta hai, mere, I met this one girl recently, okay? Mujhe ladki se bahut time ke baad pyar hua tha. Achha, oh. Also very rich woman. I am attracted also to people who also have similar amount of wealth. Yeah. But when I had to do simple things, like wo yoga ke liye utti thi 6 baje. This sounds so shallow, but I'm saying it because these are the small problems that we can't adjust. I don't know हमारे parents ने कैसे adjust किया था. उसका जब alarm बजता था सुबह, I was just like, listen, I can't live my entire life with this bloody alarm ringing in the morning every day. I'm saying छोटी-छोटी चीजें like this is a trigger, right?
I think sleeping with someone on the same bed is a trigger for me. I want the bed for myself. I cannot. I think agar live-in ho ya shaadi ho, ek alag room hoga, jahan pe raat ko jaake so jana bas. Pehle pehle bhi. Oh. I want the bed for myself. Sorry, boss. Mujhe apne room mein apni cheeze karni hai, apna music sunna hai, apni research karni hai, apni story ideas karne hai, apni padhai likhai. Bas, mujhe akele karna hai ye sab. Isliye to charo card solo card jaate hai na, isliye. Sleep alone also. Yeah. So the reason I didn't get too much into your cards is because a lot of your cards have a lot of personal information which I don't think you want on camera. Ye sab mujhe baad mein batana. If you notice, I put the cards away instantly because whatever was there, say, bhai, kuch actually bata nahi sakte. But main aapke liye alag se karunga. I want to ask you one last question before we wrap up because I know this is something which I think a lot of what you and I have, hamari jo problem hai, wo bahut hi actual first world problem hai. Fortunately, you and me, touch wood, financially we do well. We have positions of power. Hamari opinion ko log seriously lete hain, which also is a big privilege to have in today's world. हमारी प्रॉब्लम ऑफ चीजों लोगों को ईएमआई भरनी, रेंट भरना है, 50 प्रॉब्लम है हमको. हमारा जो एक्चुअली मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जिंदगी का है इज दैट मुझे प्यार नहीं मिल रहा. आई नो, आई डोंट नो इफ इट्स अ बिगेस्ट थिंग फॉर यू, बट आई नो इट्स अप देयर समवेयर. इट्स नाइस टू हैव अ कंपेनियन. आई थिंक एज जस्ट वन लास्ट पार्टिंग क्वेश्चन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इट. व्हाट इज द वन चेंज यू हैव मेड से इन द लास्ट 6 मंथ्स टू मेक श्योर यू मेक अ चेंज कि हमारी आप और मेरा बिजनेस माइंड है. कोई प्लान नहीं काम करता, वी रीइन्वेंट द प्लान. Did you ever reinvent your finding love plan in the last 6-7 years? Yes, I've started saying no because a lot of times I've realized in my previous relationship ke main mana nahi kar pati thi. I mean, it's just making someone else happy, so I should just go on with it. बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि अब कौन वापस इसके बाद कोई ढूंढेगा यार. सो आई यूज टू डाउन प्ले ऑल्सो माई सेल्फ इन रिलेशनशिप्स. सो आई थिंक I've stopped doing it totally, which I don't know, good or bad, but then it's giving me peace. But see, Auntie said on Netflix, we have to be flexible and what is the flexible utna hi ban pao jo tum long term tak nibha sako. Wo sab short term fixes hote hain yaar. Aap apni original personality nahi badal sakte. Ab main subah nahi uth sakti hu jaldi to main nahi uth sakti hu. Tum mujhe subah 5 baje uth ke run ke liye bolo to nahi hoga bhai sahab. Main run bhi nahi kar sakti. To ye sab cheeze nahi hongi. So I think now I've started keeping things sorted. इतना होगा, इतना ही होगा, ये है जिस पे मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट मैं गारंटी नहीं करती हूँ. ये भी डिस्क्लेमर आ जाता है. सो आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग माय सेल्फ दैट वेज. आई नो इज इट टू मच और नो, बट आई द गुड पार्ट इज यू नो एग्जैक्टली, यू नो आपका जो टेम्पलेट है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट. या नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस पर्सन हु इज इन द मिडिल. सो लाइक लेट्स फिगर आउट दिस पर्सन इज हाउ ओल्ड रफली. Maybe 40s or late 40s. And is slightly dusky, tall, hairy guy or smooth boy? Tall, definitely. Dusky, I don't mind, but मैं उस पर fix नहीं हूँ, गोरा भी चलेगा. और hairy, yes, of course. Yeah, hairy, I like to play with the hair. Like, बेचारा गंजा हुआ तो? I don't know, कभी किया नहीं है. And someone who's fit? Fit, yeah. But not necessarily muscular, but then yeah, fit. And someone who's dominating or submissive? No. But dominating in the sense, I would like him to lead sometimes. Okay, but then ऐसा नहीं कि यार मैंने बोला है तो ये करना ही पड़ेगा, या तुम ये गलत कर रही हो, वो गलत कर रही हो. मैं सुनूंगी उसकी बात, but dominating है तो फिर वो accept करे कि वो गलत भी हो कभी कभार. And what if you ever catch this person like if you come to know that he's been a huge womanizer before, is that उसका past matters? As long as she's sure that he wants to change himself. As long as he's sure about that was his past, और अब वो आगे ये नहीं करना चाहता, और he's has his own introspection and realized कि अब उसको एक stable, steady relationship में पढ़ना है, तो मैं उसका विश्वास करूँगी. But अब वो आदतें हैं, वो छूटें या ना छूटें मुझे नहीं पता, but honestly, that side of his life, I wouldn't be bothered, even if I'm in a relationship with him. Because ये privacy मुझे भी चाहिए. But I wouldn't like someone checking my phone. I wouldn't like someone telling me कि अच्छा ये friend कौन है, तुम इसके साथ क्यों जा रही हो. एक तो I don't like sharing friends. मेरे friends हैं, तुम्हारे friends हैं boss. I don't like this idea of having common friends. But I'm so confused. ना आपका बेचारा husband आपके साथ रात को बिस्तर में सोएगा, ना उसके दोस्त आपके. Why are you even getting married? Exactly. See my question in life. I will finish with what we started with. Earlier we said why are we single. I'm saying now this is why we are single, because we like our own personal space. But if you fit those criteria, you know, Kavita, now, when you find a strong, independent woman, you're like, hey, this is what I really want to do. All right. Thank you so much for this. Thank you so much for calling me. Big Pucci podcast. I loved it. I totally enjoyed it. Bol do Big Pucci. Big Pucci. Thank you so much.